तो देखो, हमारे पास सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि किस तरीके से हम HTML के टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज हम सीखेंगे इसके अंदर किस तरीके से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे रहा हूँ इंडेक्स डॉट होम डॉट HTML, ठीक है। इसका नाम दे रहा हूँ आपकी बारी में होम डॉट HTML। इंडेक्स का एक अल्टरनेट ऑप्शन है, आप होम या डिफॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाम यानी आप होम या डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, पर इंडेक्स को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है, ताकि गूगल की डिफॉल्ट डॉट HTML, ठीक है। इस तरीके से नाम भी हम रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं जरा, हम इसके बाद आते हैं, लाइक लिख लो CSS की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ CSS, CSS स्टैंड फॉर स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, ठीक है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ CSS, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ सी एस एस। फर्स्ट इज इस कलर को क्या बोलेंगे एंड इसको फर्स्ट इज इनलाइन सी एस इनलाइन एस इनलाइन सी एस एस इनलाइन सी एस एस। सेकेंड इज इंटरनल सी एस एस। थर्ड एक्सटर्नल सी एस एस। ये रेड कलर है ये, और ये इनलाइन आगे क्या है इंटरनल एक्सटर्नल, ऑप्शन, और ठीक है। तो तीन तरीके के हमारे पास CSS रहेगी, इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। इन इनलाइन वी विल टाइप इन HTML एलिमेंट, ठीक है। इन इंटरनल वी विल टाइप इन स्टाइल टैग, एंड इन एक्सटर्नल वी विल टाइप इन एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। हमारे पास तीन तरीके की CSS रहेगी, इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। इनलाइन को हम HTML के एलिमेंट में यूज करेंगे, इंटरनल को हम स्टाइल टैग के अंदर यूज करेंगे, और एक्सटर्नल को हम अलग फाइल में यूज करेंगे, ठीक है। अब लिखो सिंटेक्स ऑफ CSS। ये लिखना एग्जांपल में सिलेक्टर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलम, बंद कर दिए। ठीक है, आया समझ में? सिलेक्टर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ठीक है। सी एस एस लिखने का तरीका ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, हमने सीखा था कि सबसे पहले क्या आता है, डॉक टाइप, डॉक टाइप HTML, ठीक है। ये क्या करता है, ये HTML5 के स्टैंडर्ड वर्जन को डिफाइन करता है। फिर हमने लिखा यहाँ पे HTML, HTML को हमने यहाँ पे क्या करा, बंद कर दिया। देन हमने रखा यहाँ पे हेड सेक्शन, हेड सेक्शन को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। फिर आया हमारे पास बॉडी सेक्शन, और बॉडी सेक्शन को भी हमने क्या करा, यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है, आ गया। अब आते हैं हमारे पास किस तरीके से हमें CSS लिखनी पड़ती है। अगर हम इनलाइन CSS यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा स्टाइल इक्वल्स टू
बैकग्राउंड कलर, यहाँ मैंने कोई कलर बताओ, ब्राउन कलर दे दें, ब्राउन। ठीक है, रन करके देखते हैं फाइल, किस नाम से फोल्डर था हमारा, अजय। यहाँ पे कौन सी फाइल है, होम, ओपन विथ गूगल क्रोम, आ गया। पूरा ठीक है, पूरा बैकग्राउंड का उसका बैकग्राउंड ब्राउन क्या हो गया, ये ब्राउन हो गया, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर क्या क्या कलर दे दिया। ऐसे ही अगर मुझे H1 में देना होता तो क्या करता मैं, यहाँ पे ऐसे H1 में H1 लिखा, H1 को बंद कर दिया, यहाँ पे लिखा मैंने हेक्सा कोड। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का आ रहा है। मैं यहाँ पे अब इसकी स्टाइलिंग करना चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है। आपने स्टाइल लिखना है, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखना है, आपका कलर लिखना है, कॉलन लगाना है, ठीक है, डिजाइन वाइट। अच्छा था, वाइट हो गया। ठीक है, डिजाइन अच्छा चेंज है, करना है कलर कैसे, डिजाइन फॉन्ट, तो क्या आप फॉन्ट डिजाइन चेंज करना है, हाँ सेमी कॉलम कलर से इसे अच्छा है, सेपरेट कर देना डिजाइन है। अच्छा ठीक है, ये हो गई है, हमारी एक एक स्टेटमेंट खत्म। अब कलर आपने लिखना है फॉन्ट हाइफन साइज। ठीक है, कितना साइज चाहिए, मुझे डिजाइन चाहिए यहाँ पे 120 पिक्सल, फॉन्ट साइज आ गया। फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, दो तरीके के फॉन्ट होता है हमेशा, साइज सैरिफ और स्टाइल सैरिफ और एक सेंस सैरिफ। ठीक है, बहुत फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट हाइफन फैमिली सेंस मतलब क्या सैरिफ। होता है दोनों देखो, एक के पैर निकले होते हैं, एक के पैर नहीं निकले होते हैं। ठीक है, मतलब एक के एजेस होते हैं, कॉर्नर एजेस होते हैं, एक के अच्छा कॉर्नर एजेस अच्छा नहीं होते। देखो, अभी ये लगाया देखो ऐसा आ रहा है, रिफ्रेश लगाया किया तो देखो ये ऐसा हो अच्छा गया। था, ठीक है, तो डिजाइन अच्छा है, दो तरीके के कलर ही भी फॉन्ट होते हैं क्लियर हमारे पास, इनके टाइप दो ही होते हैं, एक होता है सैरिफ और एक है, होता है डिजाइन सेंस सैरिफ। भी तो क्लियर है, देखो हमारे पास क्या हो गया, ये हेक्सा और कोड इस तरीके से लिखा आ गया, उसका कलर अच्छा नहीं है या फिर डिजाइन एक भी अच्छा नहीं है तो आपको पसंद नहीं हो गया आएगा ये। ना, मैं उसको ऐड कर पाऊंगा। सर्टेन एसोसिएशन विद कलर, जो डेजिग्नेशन हेडिंग कलर आप ये अच्छा बना रहे हो ना, ये ना एक ना नहीं नोटपैड पे बना के रख एसोसिएशन लेना, तो कलर जब भी नया कैंपेन बनाओगे तो वो यूज हो नहीं जाएगी। क्या एक सेकेंड में ना वो लेके आया हो चार्जर। गया तो बनाना हाँ, देखो ये आ गया हमारे पास। अब हम चाहते क्या है कि ना, लाइक मुझे इसका ना फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया हमने, और ये कर दिया, पीछे बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, तो अब ये पीछे बैकग्राउंड लिख सकता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक सेमी कॉलम बंद कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसका कोई और बैकग्राउंड कलर दे दूं, ब्लू दे दूं या ब्लैक दे देते हैं, ब्लैक अच्छा रहेगा। सेमी कॉलम से सेपरेट करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो कंटेंट लिखा है सेंटर में लिखा है, तो देखो ये सेमी कॉलम यहाँ खत्म कर दिया, एंटर मारता हूँ, टेस्ट हाइफन अलाइन सेंटर, ये सब लिख लेना, ये देखो आ गया। इसमें सेंटर डालने से हाँ, टेस्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया, ये बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल वाइट, ऐसे लिख देंगे, स्पेस देंगे, तो क्या हुआ, बॉर्डर आ गई, जिस कलर का चाहिए उस उस कलर वो कलर नाम आ जाएगा यहाँ पे। का।
और टू पी एक्स क्या है? ये साइज है इसका। अच्छा ये आ गया, ठीक है आ गया समझ में, ठीक है। शैडो बनाने के लिए, ठीक है में सही सकते हैं। आप चाहो तो इंस्पेक्ट करके शैडो है ना, जब कलर चेंज इसका इंस्पेक्ट करके ना हमने ऐसे कोड चेक कर दिया। क्या है सर, क्या है सर, ठीक है ये आ गया हमारे पास। और अब देखो मेरे पास क्या हो गया, ये हेडिंग इस तरीके लिखा गई, शेडो आ गई जैसे मैंने वहां बनाई थी, वो सेव किया कोड में और यहाँ लगा दिया। तो देखो हमारे पास इस तरीके से एक अच्छी सी हेडिंग बन के आ गई है। अब मुझे क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है ना, तो हम पैराग्राफ भी लिख लेते हैं। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हमने क्या करा, पी टैग हमने यूज किया था। अब पी टैग की भी स्टाइलिंग करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ कंटेंट डालते हैं, ये कुछ कंटेंट डाल लेते हैं यहाँ पे, कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखो कंटेंट आ गया हमारे पास। और मैं अब इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड दे देता हूँ, पी स्टाइल रिक्वेस्ट टू बैकग्राउंड, कौन सा दे देते, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर दे दिया, ये आ गया, ठीक है आ गया। ये स्पेसिंग दे देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। यही शेडो चाहिए हमें, तो यही कॉपी कर ली, बड़ी हेडिंग रख सकते हो आप, यानी जैसे आपको थोड़ी बड़ी हेडिंग चाहिए तो कीवर्ड लगाने, तो उसमें डालना पड़ेगा। मतलब ये होता है कि ना अगर सारी चीज आप यूज करते हो ना, तो मतलब उसकी विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखो ये हमारे पास तरीके से आ गया, क्योंकि अगर छोटा ऐड दिखता है तो मतलब क्लिक उस पर कम आते हैं, ठीक है समझ में आ गई चीज। अच्छा अब आते हैं इमेज, इमेज लगानी मैंने आपको बताई थी, IMGSRC equals to और इमेज का नाम banner.jpg, ठीक है इमेज यहाँ पे, इस नाम से तो है नहीं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के नाम से है, इसको ले लेते हैं कॉपी। इसका नाम क्या है हमारे पास, इसको हमने क्या करा, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। डॉट कौन सी ले लें, PNG JPG है ना, JPG है। तो अभी चेक करते हैं आउटपुट, तो ये आ गई हमारे पास इमेज। पर मुझे इमेज में ना बस इसकी फुल वेज चाहिए, तो हमें वैसे तो लगानी आती है यहीं पर ही, पर ना यहाँ पे लगाना सही नहीं होता SEO के लिए। तो हम ना क्या करते हैं CSS में लगाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे CSS में क्या लिखेंगे, स्टाइल इक्वल्स टू विथ 100%, विथ 100%। इससे क्या हो जाएगा, उसकी विथ भी 100% हो जाएगी, ये देखो आ गई विथ, ठीक है। तो देखो हमारा ये इस तरीके से सेट हो गया, ठीक है। तो लाइक आप किसी भी चीज़ की CSS कर सकते हो, ठीक है।
मैंने एक मार्की टैग लगाया और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। रेड कलर कॉपी पैशन लव ब्लड डेंजर रिफ्रेश करते हैं। लाइक तो कुछ हुआ ये देखो कंटेंट डाल रहा हूँ ठीक है। अब मैं मार्की की स्टाइलिंग कर लेता हूँ बैकग्राउंड येलो आगे यहाँ पे ठीक है। स्पेसिंग देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल ठीक है। पैडिंग का काम करता है इनर स्पेस लेके चलता है अंदर से स्पेस अंदर से स्पेस बढ़ा देगा। दो होते हैं एक पैडिंग और एक मार्जिन। तो पैडिंग जो होता है वो इनसाइड स्पेस देता है और मार्जिन जो होता है आउटसाइड स्पेस देता है। आउटसाइड देखो अगर मैं यहाँ पे मार्जिन लगा दूँ पैडिंग की जगह कहाँ हमारा पैडिंग का लगाई हमने यहाँ ना पैडिंग से समझ में आया ना अंदर से आ रहा है मार्जिन लगा दूंगा तो बाहर से लेके चलेगा। देखो ये ठीक है हाँ उसका था इमेज का एलटी टैग मार्की का जो मूविंग होता है हाँ मूविंग का मार्की टैग है ना। अच्छा हाँ उसके एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो जैसे कि बिहेवियर अल्टरनेट ठीक है। तो वो इसके अंदर बात करता रहेगा। बिहेवियर दो है मैंने एक ही करवाया एक बिहेवियर और है स्लाइड तो उसमें क्या होगा एक ही बार आके चला जाएगा दूसरा दोबारा नहीं आएगा ठीक है। समझ में आ गया आपको ये चीज़। तो यानी आपको मुझे इसकी बॉर्डर लगानी है तो मैं क्या करूँगा सेमी कॉलम यहाँ लगाऊंगा बॉर्डर लिख दूंगा सॉलिड कितने पिक्सल की 2 पिक्सल की और यहाँ पे मैंने तीन बॉर्डर है तो अभी धीरे धीरे आते सकते तो ये सॉलिड है हमारी ठीक है। सॉलिड की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं डॉटेड डॉटेड ठीक है और एक होती है डैशेड हाँ ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ ये आ गया ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कलर पे आगे समझ में ठीक है। तो ये देखो हमारे पास इतना पेज बन गया ठीक है। तो आपने क्या करना है आज यही करके देखना है आपने स्टाइलिंग करनी है इस तरीके से ठीक है। जो जो एलिमेंट यूज किया ना हमने साफ के करके देखना है जैसे मैंने आपको सिखाया इनपुट है ना इनपुट जैसे मैंने इनपुट लिखा टाइप लिखा टेस्ट ठीक है। इनपुट टाइप टेस्ट अब इससे क्या हो गया इनपुट आ गया हमारे पास ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा पैडिंग लिखा हमने स्टाइल इक्वल्स टू पैडिंग 15 पिक्सल तो क्या हो गया स्पेसिंग आ गई ठीक है। यहीं पे मैं इसकी विथ देता हूँ विथ 100% ये हमारी विथ आ गई 100% ठीक है। कितनी विथ चाहिए 80% ठीक है हाँ हो जाएगी आगे समझ में। देखो हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता जा रहा है। तो आप किसी भी चीज़ की क्या कर सकते हो CSS दे सकते हो। बटन की चाहिए बटन लगाया हमने बटन को बंद कर दिया और आगे यहाँ पे मैंने बटन की क्या कर रही है पैडिंग लगा दी 15 पिक्सल बटन की स्टाइल करनी थी ना स्टाइल नहीं लगाया मैंने स्टाइल आ गया ठीक है। थोड़ी बिट बढ़ा दें हो गई ना फिर ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आ गया अनुकूल यू होता है।
और कलर की कितनी इंटेंसिटी वो करता है ठीक है। एक पिक्सल का इतना दिखा रहा है, 16 करे आ गया हमारा, ये देखो हमारा इस तरीके से बन गया पूरा, आया समझ में। तो ये चीज हमारी CSS होती है, बिना आप HTML से सिर्फ कंटेंट डाल सकते हो, बिना CSS से आप उसकी स्टाइलिंग नहीं कर सकते। तो आपको स्टाइलिंग, ये HTML जो इनलाइन होती है वो HTML में काउंट होती है, ठीक है। इंटरनल के लिए अलग CSS होती है, वो CSS पे पार्ट पे आएंगे। अभी हमने सिर्फ इनलाइन करी है, इनलाइन इंटरनल CSS होती है, ये सॉरी इनलाइन CSS होती है, ये HTML में आती है, ठीक है। ये आपको HTML के कंटेंट में ही लिखनी होती है, एट्रीब्यूट्स ही होता है, ये स्टाइल जो है वो एट्रीब्यूट है। तो आपको इस तरीके से क्या करनी है, सबकी स्टाइलिंग करनी है, आ गया समझ में। क्या चाहिए, हाँ सबकी वीडियो की, जिसकी भी आपको स्टाइलिंग करनी है वही स्टाइल लिख के अपने बेताइट। तुम्हें अभी पता क्या करना है, अभी जितने भी तुमने टैग करे ना आई फ्रेम सबकी स्टाइलिंग करके देखना है, सबकी ऐसे ही सिर्फ। और ये जितनी प्रॉपर्टी मैंने बताई है, जैसे मैंने क्या क्या बताया, बैकग्राउंड, फॉन्ट कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज करना, मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, विथ, हाइट, ठीक है, और बॉर्डर, ये सब को एक पेज पे लिख लेना है। तो जो भी मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो एक ही पेज पे रहनी चाहिए, ताकि जब भी ढूंढो तो एक इजीली मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे करना, तो इतना बना के देखो पहले, ठीक है, समझ में आ गया ना ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हमने स्टाइलिंग करी, इसे कौन सी CSS बोलते हैं, इनलाइन, ठीक है। हमारे पास कितनी होती है, तीन होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। इनलाइन लिखने का तरीका यही है, तो पहले अब हम इनलाइन सीख लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरनल पे आएगा, फिर एक्सटर्नल पे आएगा, ठीक है। तो ये बना के देखो, एक एक प्रॉपर्टी देने के बाद उसे सेमी, अभी देखो मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाया क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी दी थी, अगर तो सेमी कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लगाया था, किस में लगाऊं, इस पूरी बॉडी पे लगाता हूँ। एक और है कर्सर पॉइंटर, इससे क्या होता है, हाथ बना आ जाता है, हाथ बना आ जाएगा, हैंड, ये देखो रिफ्रेश। अगर आपको कहीं हाथ चाहिए तो आप उसमें क्या लिख दोगे, कर्सर पॉइंटर लिख दोगे, तो देखो हाथ बना आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये बताऊँ मार्की वाला, मार्की की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं ज्यादा इसलिए नहीं कराई तुम्हें कि अभी तुम शुरू में बदल ना हो, ठीक है। जब तुम्हारा हाथ सेट बैठ जाएगा तब उसके बाद मैं चीजें ऐड करूंगा। तो देखो मार्की टैग वैसे है कहाँ हमारा, ये रहा। अब मार्की में कई सारी चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिखा मैंने एक और एट्रीब्यूट, उसका नाम है ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, इसे इवेंट एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। जब भी ये ऑन वर्ड आया था ना, तो इवेंट, ये उस दिन क्वेश्चन में भी आया था, मैंने कर दिया था, मैंने बताया था कि मैंने अभी बताया नहीं तुम्हें, ये ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू स्टॉप, इससे पता क्या हो जाएगा, रिफ्रेश किया, हाँ इसे रिफ्रेश किया और यहाँ पे होवर जाने पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ये हो गया स्टॉप, ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, यहाँ पे स्टॉप की जगह क्या करती है, स्टार्ट, जहाँ पे जाएगा वो स्टार्ट होगा, हटाएगी तो स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो उसको, क्लियर है ना, हाँ। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया, यहाँ पे मैंने स्टॉप और स्टार्ट इस तरीके से लगा दिया। आप चाहो तो इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो चलने की, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, स्क्रोल अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने कर दिया 40, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई इसकी, कितनी चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है,
आगे समझ में आई थी। तो ये हो गया, तो ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और जो मैंने बताया था तुम्हें बिहेवियर होता है अल्टरनेट, बिहेवियर में अल्टरनेट यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर ही मूव करेगा, ठीक है, ये इसके अंदर ही मूव करेगा, ठीक है। और बिहेवियर में अल्टरनेट ना यूज करके मैं यूज करूंगा स्लाइड, तो क्या होगा ये वन टाइम आएगा और आके रुक जाएगा, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हो, बिहेवियर ही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो हमने इनलाइन सीएसएस यूज करी है, तो इस तरीके से हमने इनलाइन सीएसएस को यहाँ पे यूज किया। मैंने बॉक्स की शेडो भी बनानी बताई, बॉक्स की शेडो कैसे आती है, ठीक है। तो ये देखो हमारा, और ये जो हाथ बना रहा है ये किससे आ रहा है, कर्सर पॉइंटर से आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मैंने बॉडी के ऊपर कर्सर पॉइंटर लगा दिया, तो कहीं पे भी होवर लेके जा रहा हूँ तो हाथ बना रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये कंटेंट ना कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा बॉडी के अंदर, लिख दूंगा यहाँ पे यूजर हाइफन सिलेक्ट कॉलन नन, ठीक है। इससे पता क्या हो जाएगा, इससे आप कोई कंटेंट ना, ये वाला जो कंटेंट है हमारा, ये कोई कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये देखो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे ये कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी है वो सारे लिख लो अपने इसमें, ठीक है, फेस को अप्लाई करके देखते हैं।